अब तो फिर ये सुबह इतनी जल्दी और या इतनी देर से कब हुई है? सीन ये है कि हम सोए फजर टाइम में थे तो बच्चे पहले सो गए थे, बच्चे उठ गए जल्दी, उन्होंने कर लिया नाश्ता। अब हमारी ये बारी नाश्ते की, तो हम मिलते हैं नाश्ते की टेबल या किचन में। तब तक के लिए बाय। अम्मी आप कितने बजे उठ गई थी? मैं तो उठ गई थी 7 बजे। सोई कब? मैं नमाज पढ़ के सोई हूँ फजर की, और 7 बजे उठ भी गई। वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? हम तो आज बिल्कुल फ्रेश हो गए, हम लेट उठे हैं आज, देर से सोए थे, काम काफी ज्यादा किए थे और बच्चे ऑफ था, पढ़ाई हो चुकी थी, सब हो गई। तो खैर आज हम काफी लेट उठे हैं और अब हम जा रहे हैं करने नाश्ता, और साथ साथ रेडी भी हो चुके हैं उठते ही, क्योंकि अब हम शायद जाएंगे कहीं, अम्मी की ग्लासेस बनने हैं तो वो पेंडिंग है, वो भी बनवाना है, और हंटिंग प्रोग्राम है आज हमारा। कमाल है, हम कहाँ आज हंट करने जाते हैं। ये जो 2 बिस्किट निकालने की आपने जहमत की है, अपने लिए किए सर? दोनों की तो 2। वाह शेख, अपनी अपनी देख, मुझे तुम क्या पता? तो क्या छोटी हो जाओगी मजीद, तो मुझे क्या पता कौन सा खाएंगे, मैं तो उतनी ही रहूंगी। यार ले आओ बड़ी मियां। सर आपको कौन सा चाहिए, चॉकलेट लोटे वाला? कहना क्या चाहते हो? आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? ये वाले और लूंगा मैं ये वाला 0+। ये कोकोमो का है ना, न्यू वर्जन आया है, ऑरेंज वर्जन, स्नैप एंड विन। अगर इसके पीछे है ना, आपको ये को ड्रॉप करना थोड़ा, अगर आपको गोल्डन कोकोमो मिल गया ना तो फिर याद आ गया। तो फिर हंसी पता है क्यों आई? हंसी इसलिए आई है कि कल उनैस का ना एक ऐसा गोल्डन कोकोमो निकल गया था, तो उनैस ये देखो मेरा गोल्डन कोकोमो निकल गया, मुझे भी दिखा रहे हैं, फिर उमर के हाथ में दिया, मैंने उमर के हाथ में दिया ना, उमर भी देख रहा है ना गोल्डन कोकोमो, मैं उमर खा लो, उमर ने टक पड़ी मुंह में लिया। एक बार फिर आ गया गोल्डन कोकोमो, जरा दिखाओ, यहाँ रखो कोई खाना चाहे, पीछे से देखा। अब हम निकले हैं, अल्लाह हवा बहुत है आज, आप उड़ ना जाना पैराशूट के साथ। अरे तो मेरा पैराशूट है ना, लैंडिंग के लिए होता है, उड़ने के लिए नहीं होता। उड़ना जाते आप पार्क चले? आपको पार्क के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता हुआ? पहुंच गए गुलशन, लेकिन यहाँ पर आधी मार्केट तकरीबन बंद है और आधी जो है वो खुली हुई है। कहाँ है, चश्मा पहना हुआ? हाँ। अच्छा लगा। ये साइड मेटल की है और फ्रंट शीट है, ये भी अच्छा लग रहा। एक तो स्प्रिंग है, बच्चों के लिए सही है। ये छोटे रंग वाह जबरदस्त। ये मुझे गोल्ड में चाहिए। अच्छा ये लाइट ब्राउन में देखना, मुझे कब जरूरत क्या है तो आप अभी चेक करवा लेना। काला चश्मा लगा के घूमा करो, क्या पता लग जाए ना, जो गोल्ड में पसंद नहीं है ना, ये लड़कियों के लिए। ये फ्रेम हमने डन किया, ठीक है, अब आप चार्जेस देखो कहाँ चले गए। 2700 रुपए, 4.5 और 5.5 करीब। मतलब ये गिलास कितना चलेगा? कितना चलेगा? हाँ कब तक? गारंटी तो नहीं दे सकते। 200 और कम कर रहे हैं, ठीक है। कितने में हो? 4000 रुपए। अच्छा। पाकिस्तानी। अम्मी का चश्मा हमने फाइनली आज बनने के लिए दे दिया है। क्या हंट करते हैं? वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा
देखे वो मिलते हैं हमें कि नहीं, लोकेशन तो मुझे नहीं पता। हम फाइनली उस जगह को हंट कर चुके हैं जहां हमें आना था। मैंने बंद कबाब का, बंस रोड के बहुत मशहूर बंद कबाब का सुना हुआ है कि यहाँ बहुत अच्छे और मज़ेदार और बहुत कदीम ज़माने के बंद कबाब मिलते हैं, तो मैं हमने इनकी शॉप उन्हें ढूंढ ली है और अब हम इनका बंद कबाब ट्राई करते हैं। बहुत रश है, क्या होता है, कैसा होता है, किस चीज़ का होता है, ये खा के देखते हैं। अवामी अवामी ये बर्गर की जो शॉप है किस नाम से मशहूर है? ये हाजी अदनान अहमद के नाम से, ये 72 साल हो गए, माशाल्लाह चौथी पीढ़ी चल रही है। माशाल्लाह जबरदस्त, अच्छा है, जायका भी अच्छा है। भाई आपकी दुआ में मोहब्बत है, अल्लाह का इनाम है। और आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद, शुक्रिया। असल में हम बानिए बनगांव वाले, पाकिस्तान के जो आजाद हुआ ना, तो आप यही सब हुआ। बेहतरीन, जबरदस्त। भैया कितने का बताया था? सिंगल 60 रुपए, सिंगल 1 को आप 60 के, 2 वन 1 को आप 70, डबल 120। कई दफा बर्गर खाए लेकिन ये वाला बर्गर मेरे ऊपर से गुजर रहा, अंदर बाहर, रोटी के साथ, रोटी के बगैर, ये कौन से बर्गर की बातें हो रही है? वही बंद कबाब भी ऐसा नहीं होता, कबाब कहा जाता है बंद कबाब। कबाब अलग होते हैं, बंद अलग होता है, प्याज अलग होती है, चटनी अलग होती है, उसको मिला के खाते ही होता है बंद कबाब। आपने तो बहुत खाया है ना? मैंने बहुत खाया, हर जगह बना हुआ खाया है कि अलग खाया है ये बताएं। तो इनकी बात, रोटी में डलेगा, रोटी के बगैर डलेगा, इसमें डलेगा, उसमें डलेगा, वो क्या है? अलग अलग खाते हैं ना लोग। चले देखते हैं आता है तो कैसा होता है। कौन अंकल कैमरे में? हाँ, हमारे पीछे अंकल को देखो कैसे लगे पड़े। कनक रोटी, कनक रोटी। मम्मी आपकी क्या राय है खाने से पहले इस जगह के बारे में? बर्गर है, बंद कबाब है, अलग अलग दे रहे हैं, कबाब अलग दे रहे हैं, बंद अलग दे रहे हैं, और कोई आ ही नहीं रहा ऑर्डर लेने, और कोई ऑर्डर लेने भी नहीं आ रहा। और हमारे बर्गर आ गए मशहूर जमाना, और अम्मी लाई है फ्रेस्को से बदनाम। अम्मी आप क्या लाई हैं? वो पराठी लिए मैंने, बंद कबाब है, मगर तू इतना खास तो नहीं है कि पूरी दुनिया टूटी हुई है। मैं भी समझा रहा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक पैटी है दाल की, और ये पे प्याज है, चटनी है पर, और ये एक पीस जो है ये 60 रुपीज का है। अगर ऐसे ही दो मंगवाएंगे इस प्लेट में तो 120 का है। अब अम्मी आप ट्राई कर रही हैं इस बर्गर के बाद अरबियन पराठा। आप मुझे बताएं, आप इसको अच्छा, ज्यादा अच्छा कह रही हैं कि पराठे उसको बर्गर बन को? है ना, इसमें फुल एग है और वेजिटेबल्स हैं, और ये बहुत मजे का है, ये फ्रेस्को का है। आप खाएंगी बशानी? कहाँ है हमारी बशानी? वाह 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 वाह, ये रही ना, ये वाली है ना, ये तो दे दे भाई। गलत है, गलत है। 1000 रुपये? नहीं नहीं, काले ना, नहीं नहीं। आज हमारे व्लॉग का एंड हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लिक द बेल आइकन। और में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पापा।